अस्सलामु अलैकुम, मैं फ़ारुक़ आज़म। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। यकीनन आप अब आप खैरियत से होंगे। एक नई अपडेट के साथ हाज़िर हुआ हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, तहरीक लबैक पाकिस्तान पहले भी फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठा रहे थे, लेकिन अब तहरीक लबैक पाकिस्तान ने फ़लस्तीनी आवाम से इज़हार यकजहती के लिए मुल्क भर के अंदर रैलियों का और मार्च का ऐलान किया गया है। आप अब आपके सामने मुकम्मल डिटेल रखूंगा, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बार बार मिलता रहे। तहरीक लबैक पाकिस्तान मज़लूम फ़लस्तीनी आवाम से इज़हार यकजहती के लिए मुल्क भर के अंदर 13 अक्टूबर 2023 बरोज़ जुम्मतुल मुबारक के बाद नमाज जुम्मे के बाद लबैक या अक्सा मार्च का इनकाद कर रही है, जो मुल्क के मुख्तलिफ कोनों के अंदर ये मार्च निकाले जाएंगे, जिसमें तहरीक लबैक पाकिस्तान की कारकुनान और तहरीक लबैक पाकिस्तान की गयूर अवाम कसी तादाद के अंदर शिरकत करेगी और तहरीक लबैक पाकिस्तान की लीडरशिप भी इनके साथ मार्च के अंदर शरीक होगी। और साथ ही साथ कराची डिवीज़न में 13 अक्टूबर 2023 बरोज़ जुम्मतुल मुबारक बाद नमाज जुम्मा 3 बजे दोपहर नुमाइश चुरंगी ता तबत सेंटर कराची लबैक अल अक्सा मार्च का इनकाद किया जाएगा। तो कराची के अलावा भी मुल्क के हर कोने कोने के अंदर जहां गैरतमंद मुसलमान बसते हैं वो इनसे फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती के लिए मार्च करेंगे और अपना अपना गम गुस्सा इस नजायज़ इसराइली रियासत पर निकालेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।